हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में बात करेंगे हम सीज़मिक एनालिसिस की, मतलब कि अर्थक्वेक एनालिसिस की। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जल्दी से ये समझ लेते हैं कि अर्थक्वेक एनालिसिस होता क्या है और इसको करते कैसे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सीज़मिक एनालिसिस में आपका दो एनालिसिस होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है आपका डायनामिक। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक एनालिसिस। तो सबसे पहले कि सीज़मिक एनालिसिस होता क्या है। तो सीज़मिक एनालिसिस होता है आपका अर्थक्वेक एनालिसिस, यानी कि जब आपकी कोई बिल्डिंग आप अर्थ के सरफेस पे है और अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, आपका ग्राउंड वाइब्रेट होता है। ठीक है, उस वाइब्रेशन की वजह से आपकी बिल्डिंग में कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप हो जाते हैं। देखिए, अभी तक हम कौन कौन से लोड लगा रहे थे, वर्टिकल लोड्स, लेकिन अर्थक्वेक जब आता है जब बिल्डिंग में हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट हो जाते हैं, तो जबकि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं बिल्डिंग के, बीम, कॉलम, स्लैब, वो हमने डिजाइन किसके लिए किए हैं, वर्टिकल लोड बेयर करने के लिए, तो हॉरिजॉन्टल के लिए तो वीक है, तो जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग इसलिए कोलैप्स हो जाती है। तो इसलिए हमें बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइन बना करना होता है। अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिजाइन मतलब कि वो लैटरल फोर्स को भी रेसिस्ट कर सके। ठीक है, अब लैटरल फोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और कितना होता है, ये हम कैलकुलेट करेंगे स्टैटिक मेथड में। ठीक है, तो स्टैटिक मेथड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैटरल फोर्स। ठीक है, तो एक सेकेंड देखिए, एक मॉडल है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और ये हमारा ग्राउंड एक्सेलरेट हो रहा है ऐसे। ठीक है, एक्स डबल डॉट, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा ये डेवलप हो रहा है और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी टॉप फ्लोर पे सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद कम 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 ऐसे ट्रैपेजॉइडल फॉर्म में, ट्रायंगल फॉर्म में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट बिल्डिंग में एक फोर्स डेवलप होता है बेस शियर, जो उस लैटरल फोर्स को रेसिस्ट करता है। ठीक है, अब हर फ्लोर पे ऐसे इंक्रीज क्यों हो रहा है फोर्स, क्योंकि ये जो लैटरल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये डिपेंड करता है आपका बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग के वेट पर। तो इसकी हाइट और बिल्डिंग के वेट, यानी कि आप ये समझिए, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की नज़रों में वो बिल्डिंग कैसे कैसी बिहेव करती है, तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया है हमने। तो मान लीजिए ये बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये आपकी स्लैब, ठीक है, स्लैब, ये है आपके कॉलम। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अर्थक्वेक जब आएगा तो बिल्डिंग किस तरह से बिहेव करेगी, तो इस तरह से बिहेव करती है कि ये है आपका फ्लोर फिफ्थ, ये है कॉलम वेटलेस और बहुत ही लचीले, ये है फ्लोर फोर, थ्री, टू, वन, टू, थ्री, फोर, वन, टू, थ्री, फोर हो गए, ये हो गया आपके सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो आपके इस कॉलम का वेट और इस कॉलम का वेट, इतना वेट, और यहाँ पर जो बीम स्लैब स्लैब आएगी, सबका वेट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक फ्लोर पे। एक बार फिर मैथमेटिकल मॉडल अगर हम बनाते हैं अर्थक्वेक एनालिसिस के, तो उसका मतलब क्या है कि सारा फ्लोर वेट बिल्डिंग का हर एक फ्लोर पे, हर एक फ्लोर का वेट हर एक फ्लोर की स्लैब पे या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, लंप्ड मास थ्योरी बोलते हैं इसे। उसी मास की वजह से हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, जितनी वेट भारी आपकी बिल्डिंग होगी और हाइट होगी, उतना ज़्यादा फोर्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो कुछ अर्थक्वेक पैरामीटर जो यूज होते हैं, जब मैं एनालाइज करूँगा सीज़मिक, तो टाइम टाइम पर आपको बताता जाऊँगा। तो किसी भी बिल्डिंग पे हॉरिजॉन्टल फोर्स डिस्ट्रीब्यूट कितने हो रहे हैं, कितना कितना हो रहा है हर फ्लोर पे, और बेस शियर कितना हो रहा है, हमें कैलकुलेट करना होता है स्टैटिक एनालिसिस में। फिर हम डिजाइन करते हैं उन फोर्स के लिए भी, लोड कॉम्बिनेशन बनता है वगैरह। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक मॉडल चाहिए। ठीक है, तो फटाफट एक मॉडल बना लेते हैं। न्यू मॉडल स्पेस EQ, इसका नाम डाल देते हैं टाइटल, क्योंकि अर्थक्वेक एनालिसिस मीटर कोलियोनीटन। ठीक है, फिनिश।
ग्रिड आ गई है, ग्रिड को पहले एडिट कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं एक्स जेड, क्योंकि प्लेन हमारा किस में होता है, एक्स जेड में, तो एक्स जेड सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर का ब्लॉक, ओके। मैं बनाऊंगा एक अनसिमेट्रिक बिल्डिंग। अनसिमेट्रिक क्यों बनाऊंगा मैं बिल्डिंग, उसका एक रीजन है। एक मिनट ये प्लान बना लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ग्रिड क्लोज कर देते हैं, प्लान बन गया हमारा। ठीक है, एक बीम यहाँ पर भी बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लान। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि अनसिमेट्रिक प्लान क्यों बना रहा हूँ बिल्डिंग का। मैं अनसिमेट्रिक प्लान इसलिए बना रहा हूँ कि जिससे ये भी मैं बता सकूँ आपको कि जो सीज्मिक फोर्स है वो अनसिमेट्रिक बिल्डिंग से अलग अलग, माने कि यहाँ सीज्मिक फोर्स जो लग रहा है और यहाँ जो लगे वो दोनों अलग लगेंगे या नहीं, दोनों सेम लगेंगे। क्योंकि सीज्मिक फोर्स स्टैटिक में जो लैटरल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है वेट एंड बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की सिमेट्रिसिटी पे वो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो देखते हैं सेम होता है नहीं होता। तो एक मॉडल बना रहा हूँ मैं, बना लेते हैं 5 फ्लोर का, 3.2 मीटर हाइट दे देते हैं बिल्डिंग की, 5 फ्लोर लिंक, ओके। नीचे डिलीट कर देते हैं, सपोर्ट दे देते हैं, फिक्स सपोर्ट, प्रॉपर्टी एज्यूम कर लेते हैं कोई भी, बीम के लिए ले लेते हैं 0.4 by 0.3, यानी 300 mm × 400 mm, 400 mm डेप्थ हो गया। कॉलम के लिए 400 by 400 रेक्टेंगल। ठीक है, बीम को दे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट में जाते हैं और बीम पैरेलल टू एक्स, और दोबारा सिलेक्ट में गए बीम पैरेलल टू जेड। अगर आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो देखेंगे आप सारे बीम सेलेक्ट हो गए हैं, इस प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, बीम को मिल गई। कॉलम के लिए हम दोबारा जाते हैं, सिलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई, कॉलम सेलेक्ट हो गए और हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें, एक मिनट चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद हम कुछ लोड लगा देते हैं। ठीक है, डेड लोड लगा देते हैं, DEAD डेड, और एक लाइव लोड लगा देते हैं लाइव। एक डेड लग चुका है, एक लाइव। डेड के अंदर हम ले लेते हैं बिल्डिंग का सेल्फ वेट और ले लेते हैं फ्लोर लोड, मान लीजिए -5 लग रहा है। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, नोट कर्सर लेके हम ऊपर टॉप के नोट पे डबल क्लिक करेंगे तो वाई 16 मीटर है, तो 0 से 16 मीटर तक हमारा फ्लोर लोड लग रहा है। असाइन कर देते हैं सेल्फ वेट को, और लाइव लोड में ले लेते हैं 3 kN/m² फ्लोर लोड 0 से 16। ठीक है, ये लग चुका है। फिर एनालिसिस ऑल, एड क्लोज और एनालिसिस, ये हमारा एक मॉडल बन गया, सिंपल मॉडल, अनसिमेट्रिक मॉडल, जिसके अंदर हमारा डेड लोड लगा हुआ है, डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट और फ्लोर लोड, और लाइव लोड के अंदर फ्लोर लोड। एनालिसिस कर चुके हैं, कोई एरर नहीं। अब यहाँ से सीज़मिक एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आप लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे, सॉरी जनरल में, देन लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे। आप लोड एंड डेफिनेशन में क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो कैसे है, पहले जनरल, जनरल से लोड एंड डेफिनेशन, और लोड एंड डेफिनेशन से फिर यहाँ पे जाएंगे, और फिर यहाँ से जाएंगे हम डेफिनेशन में। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन पे क्लिक किया तो बहुत सारे लोड आ रहे हैं, देखिए। तो हमें किस में जाना है, सीज्मिक, सीज्मिक डेफिनेशन। तो सीज्मिक पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमको ऐड करना होता है। ठीक है, हमने ऐड पे क्लिक किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होता है सीज्मिक कोड। तो इंडियन कोड कौन सा है अर्थक्वेक के लिए, 1893-2002, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं 1893-2002। उसके बाद हमें यहाँ सेलेक्ट कोड करने के बाद क्लिक करना होता है जनरेट बटन पे। ठीक है, जनरेट पे क्लिक किया, सॉरी दोबारा से एक बार कर लेते हैं, एरर आ रहा है। सीज्मिक पे क्लिक किया, ऐड 1893-2002, जनरेट, क्रिएशन इज फेल, तो सीज्मिक पे क्लिक करके ऐड करना था आपको। देखिए, इसमें मेरे स्टैट प्रो में एक एरर आ रहा है,
जब मैं आईएस कोड सेलेक्ट करता हूँ, जनरेट करता हूँ, तो एक विंडो खुलती है, वो नहीं खुल रही है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। मैंने नया सेलेक्ट सीरीज 6 किया, डाउनलोड इंस्टॉल किया, शायद कुछ एरर होगा। तो हम क्या करते हैं, इनपुट यहीं डाल देते हैं। दरअसल होता क्या है, जब जनरेट पे हम क्लिक करते हैं, इस जनरेट पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलती है, उसमें ये सारा डाटा हमें डालना होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी डाल सकते हैं, तो मैं यहीं पर डाल के बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है जोन, कि किस जोन में हमारा जो इंडिया है वो 4 जोन में डिवाइड है। जोन मतलब कि जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, कम आता है, इंटेंसिटी क्या है, उस हिसाब से जो पास हिस्ट्री है ना अर्थक्वेक की, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है 4 जोन में। कौन कौन से जोन है वो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 4 जोन है। तो क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं दिल्ली NCR के लिए जोन 4 लेता हूँ, ठीक है। तो जोन 4 के लिए, हर एक जोन के लिए एक फैक्टर दिया हुआ है, तो जोन 4 का फैक्टर है आपका 0.24, ये मैंने डाल दी। उसके बाद आता है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर, ठीक है। ये रिडक्शन लाइव लोड में कुछ हम लोड को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिकल नहीं होगा, अगर टोक पूरा ले लेंगे, तो उसके लिए फैक्टर होता है मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम के लिए, RC मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम के लिए 5, तो मैंने 5 डाल दिया। अब आता है इम्पोर्टेंस फैक्टर। इम्पोर्टेंस फैक्टर देखिए, दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक होता है जनरल बिल्डिंग, दो तरह की बिल्डिंग होती है, सॉरी, जनरल बिल्डिंग और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग। जनरल बिल्डिंग वो होती है जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, जिसमें लाइफ लॉस कम होता है, यानी कि लोगों की जिंदगी का नुकसान कम होता है और पैसे का नुकसान कम होता है, वो होती है जनरल, जैसे कि रेजिडेंस बिल्डिंग। और जैसे कि आप लेंगे कि स्कूल, अगर स्कूल कोलैप्स हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे उसमें रहते हैं और बहुत पैसा भी उसमें लगा हुआ है, लाइफ का लॉस ज़्यादा हुआ, मेनली लाइफ, तो उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, फैक्टर ज़्यादा देते हैं। तो 1 होता है जनरल के लिए, 1.5 इंपॉर्टेंट के लिए। अभी 1 ही ले लेते हैं। सॉइल किस टाइप की, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। 1 का मतलब सॉफ्ट, सेकेंड का मतलब मीडियम, और थर्ड का मतलब हार्ड, तो सॉफ्ट रहने देते हैं। डैम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 1 का मतलब जनरल स्ट्रक्चर, 2 का मतलब स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद है डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग रेशियो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो डैम्पिंग को, उसको ऑक्सीलेट को रेसिस्ट करती है। तो कंक्रीट का हमारा 5% होता है, उसे 0.05 यहाँ लिखते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है टाइम पीरियड, ये सब चीज़ें पूछ रहा है, इन सब की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना डालने के बाद हमें ऐड कर लेना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपकी एक लाइन बन चुकी है सीज़मिक। ओके, अब हम आते हैं लम्ब्ड मास थ्योरी। मैंने कहा था कि बिल्डिंग का वेट फ्लोर पे कंसंट्रेट करता है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और ये कॉलम हो जाती है एक स्प्रिंग हमारी, ठीक है। तो अब क्या है, अब इस बिल्डिंग को हमें कन्वर्ट करना है मास में। देखो अभी बिल्डिंग क्या है, अभी लोड है, इस बीम का सेल्फ वेट ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, और इसमें हमने फ्लोर लोड लगाया वो भी डाउनवर्ड है, एक डायरेक्शन है। मास और फोर्स में क्या डिफरेंस है, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो हमें इस बिल्डिंग के पूरे बिल्डिंग में जितना डाटा है उसको अगर हम डायरेक्शन हटा दें तो बन जाएगी मास। तो देखिए क्या करना है, हमें जाना है एडिटर में, और भी तरीके हैं, एडिटर वाला सबसे ईजी तरीका है। एडिटर में हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें जो जोन हमने डिफाइन किया है सीज़मिक, ये वाला, ये आपको एडिटर में मिलेगा। देखिए ये रहा, ये रहा डिफाइन 1893, फिर सारे फैक्टर हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लोड के नीचे, जोन की वैल्यू के नीचे, डेड लोड, डेड लोड में देखिए ये रहा, ये क्या है आपका डेड लोड, और डेड लोड में क्या क्या आपने दिया है, सेल्फ वेट और फ्लोर लोड। इस सेल्फ वेट और फ्लोर लोड को कॉपी करना है यहाँ से जॉन के नीचे, ठीक है, और जो लाइव लोड में लोड लगाए हैं आपने वो कॉपी करने हैं जॉन के नीचे। आप देख रहे हो मैं केवल लोड कॉपी कर रहा हूँ, ये वाले, इनके ऊपर जो लाइन लिखी है लोड केस की, लोड 1 लोड 2, ये कॉपी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने ये सेल्फ वेट से लिया और ये कॉपी करके इसके नीचे पेस्ट कर दिया, फिर मैंने लाइव लोड का लिया, कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। कॉपी करना है, कट नहीं करना, ठीक है। तो देखिए
ये है आपकी सीज़मिक डेफिनेशन। इसके नीचे मैंने कॉपी किया डेड लोड और इसके नीचे कॉपी किया लाइव लोड। ठीक है, तीन चीजें हैं। अब क्या चेंज करना है, देखिए सेल्फ वेट लगा हुआ है जिसकी डायरेक्शन है वाई और माइनस में डाउनवर्ड। अगर माइनस और वाई हटा दें तो क्या बन जाएगा, मास। ठीक है, अब फ्लोर लोड में हम लोड को चेंज कर दें वेट में, डब्ल्यू ई आई जी एस टी वेट। और फ्लोर लोड में भी जो माइनस लगा हुआ है वो हटा दें और जी वाई हटा दें तो ये बन गया मास। नीचे लाइव लोड का जो फ्लोर लोड है उसको भी वेट कर देते हैं और माइनस हटा देते हैं और जी वाई हटा देते हैं। डायरेक्शन और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव जो था वो हटा दिया हमने। अब ये क्या बन गए हैं हमारे मास, अर्थक्वेक के लिए अलग हमने मास डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, आईएस कोड कहता है कि अगर आपका लाइव लोड 3 kN/m² है या उससे कम है तो जब उसको हम सीज़मिक में यूज करेंगे तो 25% यूज करेंगे। ठीक है, तो इस 3 का हमें केवल 25% लेना है। तो 3 का 25% कितना हो जाएगा आपका 0.75। तो मैं इस 3 को यहाँ पे लिख देता हूँ 0.75। ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा होता है तो 50% लेते हैं अकॉर्डिंग टू आईएस कोड। अब इसको हम सेव कर देते हैं, एडिटर को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप सीज़मिक में जाके यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सारे फोर्स आ गए। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एक लोड केस हम ऐड करते हैं इसमें। टाइप क्या होगा, सीज़मिक, और इसका टाइटल डालते हैं ई क्यू एक्स, अर्थक्वेक फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। एक और ऐड करते हैं ई क्यू जेड, फोर्स इन जेड डायरेक्शन। मैंने कहा था ना दोनों डायरेक्शन में देखेंगे हम, फोर्स इक्वल आता ही नहीं आता, सिमेट्रिक से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता। तो ई क्यू एक्स पे मैंने क्लिक किया और ऐड किया। सॉरी, एक और चीज भूल गया, अगर आपको सीज़मिक एनालिसिस करना है तो स्टैट प्रो की और इस एनालिसिस की एक कंडीशन है कि जो आपने सीज़मिक लोड केस दो डिफाइन किए हैं उनको जो डेड लोड और जितने भी लोड डिफाइन किए उनके ऊपर होना चाहिए, यानी कि इनको कहाँ होना, डेड लोड के ऊपर। तो क्या करते हैं हम एडिटर में जाके इनको कट करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने एडिटर खोला। ठीक है, अब देखिए ये रहे मेरे दो लोड जो मैंने ई क्यू एक्स और ई क्यू जेड बनाए हैं। ठीक है, इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करके कट करना है, मूव करना है, यानी कि कंट्रोल एक्स से, कंट्रोल एक्स किया और लोड वन ये रहा आपका, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या किया मैंने, मैंने यहाँ पर जो दो लोड केस बनाए थे ई क्यू एक्स ई क्यू जेड उनको कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। या आप ऐसे कर सकते हैं, अब स्टार्टिंग में जब आपको पता है कि सीज़मिक एनालिसिस करना ही है तो सबसे पहले इन दोनों को बना लो। अब यहाँ मैं इनके सीक्वेंस भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ 3 को 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ठीक है, अब सेव करके चेक करते हैं चेंज हुआ नहीं हुआ। ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, सीज़मिक एक्स पे क्लिक करना है, ऐड करना है सीज़मिक लोड और फैक्टर वन डायरेक्शन वन ऐड। इसी तरह जेड में कर लेना है सीज़मिक लोड डायरेक्शन जेड और ऐड। बस ये फिनिश हो चुका है, अब एनालिसिस कर दो, उसके बाद रिजल्ट चेक करते हैं। डन, तो रिजल्ट के लिए हम जाएंगे यहाँ आउटपुट में और यहाँ फाइंड करते हैं लेटर, LATER, लेटर फोर्स बोलते हैं ना इसे, ये आ गया। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में ये हर जॉइंट कर दिया, हम फ्लोर लगा लेंगे। एक्स डायरेक्शन में फर्स्ट फ्लोर ये आपका 0 मीटर से स्टार्ट है, 0.3.2, उस पर कितना फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, 2.280। ठीक है, और आपका ये है बेशियर, ये वाला, ये जो 2.2 है वो ये है और उसके नीचे जो लिखा हुआ है टोटल लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं सेकंड फ्लोर पे, या सेकंड फ्लोर पे कितना लग रहा है, 2.9, 9.21, 0 से 6.4, और ये टोटल वेट तो जो अपोजिट लग रहा है उतना ही होगा। अब देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे कितना लग रहा था, 2.28, क्या Z में भी इतना ही लग रहा है, Z ये रहा 2.280, Z में भी उतना ही लग रहा है, यानी कि, और हमारा देखिए ये भी इक्वल है दोनों, बेशियर है ना। इसका मतलब क्या है कि बिल्डिंग की शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिल्डिंग के वेट पे और हाइट पे डिपेंड कर रहा है आपका सीज़मिक फोर्स।
तो ये था सिस्मिक फोर्स। तो इस तरह से हम सिस्मिक एनालिसिस करते हैं, लैटरल फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अब आगे क्या होगा, जैसे कि हम डेड लोड लाइव लोड के हम लोड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसी तरह हम सिस्मिक के लोड कॉम्बिनेशन जाएंगे, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब जब डिजाइन करेंगे तो डिजाइन जो हमारा स्टैट प्रो करेगा किससे करेगा, जो मैक्सिमम जिससे मोमेंट आ रही है, जिस लोड कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये था सिस्मिक एनालिसिस। तो थैंक यू इस वीडियो के लिए, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।